बहुत अच्छी बात है, मोदी जी शपथ ले रहे हैं। आम जनता खुश है? खुश है मेरी समझ से। खुश नहीं है उनको क्या बोलेंगे? जो कुछ नहीं है वो अभी मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है मैम, ये चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है आपको, ये रौनक इसी बात के कि हमारे प्रधान सेवक तीसरी बार देश की सेवा के लिए शपथ लेने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा था पीएम बनने का, अब तो शपथ ले रहे, तो विपक्षियों का जो मन है, जो मूड है, वो कैसा हो जाएगा? मैम सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए 272 सीट चाहिए। अगर नीतीश जी अपनी 12 की 12 सीट लेकर चले भी जाते हैं फिर भी हम बहुमत में हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पाई, 10 साल से सत्ता में नहीं है और फिर से 100 सीट भी नहीं ला पाई। कांग्रेस को आज जरूरत है अपना वजूद तलाशने की। बोलेंगे कि क्या कहते हैं कि जो भी आपको जनादेश मिला है उसका सम्मान कीजिए और संसद में बैठ करके विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंद्रेश जी मौजूद है, क्या बोलिएगा अब तो मोदी जी शपथ भी लेने जा रहे हैं? मैम बिल्कुल, हम तो पहले से ही कह रहे थे आपके चैनल पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी ही शपथ लेंगे और इतिहास रचेंगे। और वो इतिहास रचने जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में कोई हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो लगातार तीसरी बार शपथ लेगा और अपने कार्यकाल को सुचारू रूप से चलाएगा, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं। एक इतिहास में उनके नाम एक और अचीवमेंट जुड़ी है और हम लोग तो एज ए मोदी प्रशंसक बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। और कहा जा रहा है कि शपथ तो ले रहे हैं लेकिन अगर गठबंधन ना हो तो कहीं ना कहीं उतनी मजबूत पार्टी नहीं है बीजेपी, अगर इस बार गठबंधन का साथ नहीं। मैम देखिए, इस बार नहीं, हमेशा हिंदुस्तान में चुनाव जब होते हैं, चाहे यूपीए बोलिए जिसे आज इन्होंने इंडी गठबंधन कर दिया, ऐसे ही एनडीए हमेशा से एक अलायंस रही है पार्टियों की, लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे यहाँ के परंपरा बोल दूंगा मैं तो राजनीतिक की, लोग आपस में गठबंधन करके और वो करते हैं। इसमें अच्छी बात यह थी कि पिछले दो बार से अकेले भाजपा पूर्ण बहुमत से थी, बावजूद इसके उसने अपने किसी भी घटक दल को छोड़ा नहीं था, हर घटक दल को साथ में लेकर चले। मुझे याद है कि जब 2014 में सरकार बनी थी, एनडीए की ही सरकार थी और उसमें रामविलास पासवान जी को भी मंत्री बनाया गया था, रामदास अठावले को भी मंत्री बनाया गया था, तो भाजपा तब भी एनडीए को साथ लेकर चल रही थी, अभी भी एनडीए को साथ लेकर चल रही है और एनडीए की ही बात हो रही थी कि सरकार एनडीए बनाएगी। कोई एक सिंगल पार्टी, मुझे आप आज़ाद भारत में बताइए कोई एक सिंगल पार्टी जो अपने दम पर सरकार बनाती है तो बताइए। फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, कह रहे थे कि मोदी जी शपथ नहीं ले पाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा था पीएम बनने का, अब तो शपथ ले रहे, तो विपक्षियों का जो मन है, जो मूड है, वो कैसा हो जाएगा? मैम विपक्षियों के लिए हमेशा से अंगूर खट्टे रहे हैं, वो लपकने की कोशिश करते हैं और जब नहीं मिलता तो फिर अपना मुंह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं खट्टे हैं, तो उनके साथ में अब विपक्ष वाले भी तो कह रहे थे ना हम 295 ला रहे हैं। अरे 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पाई, 10 साल से सत्ता में नहीं है और फिर से 100 सीट भी नहीं ला पाई। कांग्रेस को आज ज़रूरत है अपना वजूद तलाशने की कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम खत्म हो चुके हैं और पूरा विपक्ष मिलकर भी। शपथ लेंगे तो आप लोग खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है मैम, ये चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है आपको, ये रौनक इसी बात के कि हमारे प्रधान सेवक तीसरी बार देश की सेवा के लिए शपथ लेने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। भी लगातार आज बैठक हो रही है, क्या लग रहा है, क्या बातचीत हो रही होगी? हाँ मैंने भी सुना कि राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की, ऐसी कुछ विपक्ष का नेता बनाए जाने की चर्चाएं हैं, तो ये भी देखने के लिए एक अच्छा ही वो रहेगा। मैं आज किसी को भी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा या ट्रोल नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सी बात है कि अच्छी बात है, शायद राहुल जी इस चीज़ में कुछ कर पाएँ तो विपक्ष की भूमिका में आए और विपक्ष के नेता बनकर देखते हैं वो संसद में क्या करते हैं। हमें इतना तो भरोसा है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी सरकार सुचारू रूप से चलाएंगे, अब विपक्ष उसमें क्या भूमिका निभाता है वो देखने वाली बात है। जो आंकड़ा है क्या लग रहा है, विपक्ष मजबूत है? विपक्ष मैम मजबूत नहीं है, कारण क्या है कि विपक्ष अभी भी ना पूरा अलायंस मिल के भी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा के पार्टी के आसपास भी नहीं है, मतलब ये लोग 233 पर ही रुक गए और वो 240 हैं, तो ये लोग कहीं से भी, और अगर कल को इनमें फूट पड़ती है, जैसे कि इन लोगों में अक्सर फूट पड़ती रहती है, आपने देखा होगा चुनाव होते ही गोपाल राय ने बोल दिया, इनमें फूट पड़ती रहती है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो पक्ष की जो नीतीश कुमार है जो मोदी जी के साथ है एनडीए में, उन पे कैसे भरोसा कर लिया? मैम अभी नीतीश जी ने देखो, भरोसा राजनीति में करना पड़ता है, पहली चीज किसी पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा,
दूसरी बात, नीतीश जी ने कल अपने उसमें भी बोल दिया भाषण में भी कि हम तो चाहते हैं मोदी जी आज ही ले लें, इतवार तक रुकना चाहते, तो ये मोदी जी की मर्जी है। और उसके बाद भी मैं बताऊं कि जब रिजल्ट आया था तो एनडीए जो थी वो आपका 293 पे थी, अभी एनडीए बढ़कर, क्योंकि कुछ निर्दलियों ने भी सपोर्ट किया है, और एनडीए बढ़कर 303 हो गई है। सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए 272 सीट चाहिए। अगर नीतीश जी अपनी 12 की 12 सीट लेकर चले भी जाते हैं फिर भी हम बहुमत में हैं, तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है। और नीतीश जी ऐसा नहीं है, हर बार नहीं जाएंगे, इस बार उन्होंने बोला भी था कि इस बार कहीं नहीं जाएंगे। तो और नीतीश जी आज के नहीं, अटल जी के टाइम पे भी एनडीए के रहे हैं, और पूरी अटल जी ने सरकार भी चलाई है, उसमें मंत्री भी रहे हैं, तो हमें भरोसा तो करना पड़ेगा। क्या कुछ बोलिए विपक्ष को, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि 2024 हो चुका है, 29 में भी हम ही आ रहे हैं, आप 34 की तैयारी कीजिए। अगर कोई सूरज कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत दाएं बाएं से निकला तो शायद आपकी सरकार आ जाए। और अभी भी भ्रम मत फैलाओ, लोगों को जातिवाद में मत बांटो, और झूठ फैलाकर वोट मत बटोरो, नहीं तो यही असर रहेगा, विपक्ष में ही बैठते रह जाओगे। अगर शायद सही मुद्दे लाओगे और सच बोलोगे, जनता की सही मुद्दों की बातें करोगे, तो शायद 2034 तक आप आ जाओ। मोदी जी शपथ ले रहे हैं, क्या बोलिए? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, आम जनता खुश है। खुश है मेरी समझ से। जो खुश नहीं है उनको क्या बोलेंगे? जो खुश नहीं है वो अभी मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने काम भी बहुत अच्छा किया और काफी अच्छा करेंगे, मैं यही कहूँगा। इतिहास रच रहे, तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी ही शपथ ले रहे हैं। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है तो किसी ना किसी कारणवश शपथ ही ले रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने काम किया, जब जनता ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है। तीसरी बार शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश चलाएंगे, आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, मैं तो ये कहूँगा चौथी बार भी मोदी जी आने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की एज हो गई है, उनको कार्यकाल उनका समाप्त होना चाहिए। नहीं, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है, ये महिलाएं, सुरक्षा, सभी मोदी जी की वजह से सुरक्षित हैं। पहले आपने देखा था मनमोहन सिंह के राज में इतना कहाँ चलती थी महिलाएं, जो लड़कियां हमारे परिवार में, तो वो सुरक्षित कहाँ थी? मोदी जी हैं तभी तो सुरक्षित, तभी तो आप आम जनता की तरह घूम रहे हो। मोदी जी शपथ ले रहे हैं, क्या बोलिए? अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। और देखिए मैम, जनता का जनादेश जो मिला है वो सर आंखों पे है, उसको सिराधार करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, हम भी करते हैं, उसका सम्मान है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जो है 99 सीट पे सिमट गई, आज़ादी से पहले की पार्टी है, और इतना ज़्यादा विरोध और मतलब गठबंधन सारी लेकर के टोटल इंडिया अलायंस 233 सीट पे है। हम उन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी, मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि मोदी जी शपथ ले रहे हैं, आम जनता कितने खुश है? मोटी मोटा लगभग आम, मतलब आप अभी यहाँ सर्वे करा लीजिए, आपको 90% लोग मिल जाएंगे मोदी जी के खुशी से। मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, लगभग सारी आम जनता, कुछ 1% छोड़ दिया जाए तो 90% से ऊपर जनता खुश है। विपक्ष को क्या? देखिए विपक्ष को यही बोलेंगे कि क्या कहते हैं कि जो भी आपको जनादेश मिला है उसका सम्मान कीजिए, और संसद में बैठ करके विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए, सही मुद्दे उठाइए। और मतलब जो मोदी जी शपथ ले लेंगे तो उनको नींद आएगी क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी बैठक कर रहे हैं कंटिन्यूस। नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, आएगी? नहीं, नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि हम इतना प्रोपेगेंडा जो फैलाए हैं कि हम मोदी जी संविधान बदल देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जनता ये सब देख करके, और SC ST OBC का वोट जो है यूपी में बहुत ज़्यादा, आप जानते भी हैं, तो इसका भी असर पड़ा है, बहुत सारे जाति संक्रमण एक फैक्टर नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसका इन लोगों को उम्मीद था कि हमारी सरकार बन जाएगी। केजरीवाल ने कहा जनता न्याय करेगी, जनता ने 7 की 7 सीटें हरा दिया, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है। लेकिन जो आपने कह रही हैं कि यही अटल जी 2099 से लेकर के 4 तक गठबंधन की सरकार चलाए 5 साल तक, तो 30 सेकंड दे दीजिए, और 4 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार रही, इनके पास सारी ईबीआई सी क्या कहते हैं ईडी सीबी यही सारी चीज़ें रही, लेकिन अटल जी की सरकार पे ये लोग कोई सवाल नहीं उठा पाए। तो उसी उदाहरण के तर्ज बोल रहा हूँ, मोदी जी 5 साल अच्छा चलाएंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, उसको लेकर के कितने ज़्यादा लोग खुश हैं, और लगातार तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे। हालांकि आप कितने खुश हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।